अभी जो सीजन चला गया, अब तो शायद बेल पत्थर आती है ना, जिसका जूस बना के पीते हैं, पत्थर बेल भी कहते हैं, और इंग्लिश में कॉविट कहते हैं, जो फोड़ते हैं, एक खोपड़ी की तरह होती है, फोड़ते हैं, उसमें से हलवा सा निकलता है, उसे खाते हैं, तो वो खाया करिए। अब वो तो मिलेगी नहीं, तो उसकी जगह पर आपको मुरब्बा मिलेगा, उसका बेल पत्थर का मुरब्बा, एक कतला रोज़ाना सुबह खाली पेट खाइए, एक 3-4 इंच का मुरब्बे का पीस रोज़ाना सुबह उठकर खाइए, और ज़रूरत पड़े तो एक कतला शाम को भी खा सकते हैं। ये अमल आप अगर चंद हफ्ते करेंगे तो आपकी समस्या ठीक होना मुमकिन है। बुरी चीज़ तो जितना कम खाएं या ना खाएं जी उतना अच्छा है। ये जो बाज़ार वाले हैं, ये आपको जायके की वजह से अपनी तरफ खींचते हैं। जी कोशिश करें घर का खाना खाने की, और अगर कोई मजबूरी ना हो तो बाहर का खाना बदनसीबी है। और हमारी माँ बहनों को चाहिए कि पिसे पिसाए मसालों से खाने ना बनाएं, साबुत मसाले लाएं, घर में पीसें, और उसका स्वाद और उसकी फ़ायदे बहुत ही अलग है। जिस दिन आपने ये करके देखा तो आपका घर निरोग भी हो सकता है।